ये देखो क्या है यहाँ पे, अरे वाह कितना मस्त फूल है ना। और भी है देखो, बहुत सारे फूल है यहाँ पे, है ना। तो फूल देखने का मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये फूल क्यों मैं दिखा रहा हूँ? चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फूल। तो ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी फूल दिखाने से क्या मतलब? कुछ तो है। अरे वही है क्या? रिवीजन। अब यार चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 दोनों का आज हम क्या करने वाले हैं? रिवीजन करेंगे, है ना। तो पहले हम चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन कर लेते, क्योंकि एग्जाम में कौन सा चैप्टर आने वाला है? चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। धरती से पौधे निकले, पौधों पर महके फूल। धरती से क्या निकला? पौधा। और पौधों पर क्या महकता है? फूल। तो धरती से पौधे निकले और पौधों पर महके फूल। खुशबू का संसार सजाए, कभी झूमते कभी लजाए। तितली पवन और पंछी से मिलकर हिलकर चहके फूल। कड़ी धूप जी भर जल साती, बरखा कभी तीर बरसाती, फिर भी जग को जगमग करती, कितना कुछ है सहते फूल। कितना सहते हैं ये बेचारे, धूप हो छाव हो ठंडी गर्मी बारिश। लजाई मतलब शर्माए, शब्द का मतलब है शब्दार्थ। देखो कई बार हम शब्दार्थ देखना ही भूल जाते हैं, फिर हमारे MCQ रॉन्ग होते हैं, है ना। तो अभी देखो शब्दार्थ। लजाए मतलब शर्माए, झुलसाती मतलब झलाती। झुलसाती मतलब क्या है? झलाती। लजाए मतलब शर्माए और झुलसाती मतलब जलाती। तो ये फिर से देख लो एक बार, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो तो आपका भी रिवीजन हो जाए। लेक्चर खत्म होने के साथ साथ दोनों चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट है ना। तो फिर आप पढ़ते तो है ही, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमारा ये काम भी हो जाए, अच्छा है। देख लो आप, एक पोएम है और एक चैप्टर है पूरा। हाँ, लजाई मतलब शर्माए, झुलसाती मतलब जलाती। और ये सब तो कितना मस्त दृश्य है यहाँ पे। है समान सब डाली डाली, या दुकान वह माला वाली। सीखी अनूठी देते रहते, कांटों पर रह कर फूल। है समान सब डाली डाली, या दुकान वह माला वाली। सीख अनूठी देते रहते, कांटों पर रह कर फूल। देखो कांटों पर रहते हैं, लेकिन हमें सब ये सीख देते हैं कि भाई सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। देखो माला है, उसमें कितने सारे फूल हैं, लेकिन कैसे सब मिलकर है। यहाँ भी दूसरी भी माला है, और यहाँ देखो कितने सारे फूल हैं। तो वो सब कैसे रहते हैं? हिलमिल कर रहते हैं ना, कि झगड़ते हैं,
हिल मिल कर रहते हैं। ओके, तो है समान सब डाली डाली, या दुकान वह माला वाली, सीख अनूठी देते रहते कांटों पर रह कर फूल। रहते हैं कांटों पर, हमें सीखते थे कि मैं कांटों पर यानी कि इतनी मुश्किल में रहता हूँ फिर भी सुगंध मस्त देता हूँ, महक मस्त और बसता रहता हूँ। तो हमें फूलों में से वही सीखना है कि कठिन परिस्थिति आए, मुश्किल परिस्थिति आए, लेकिन फिर भी झुकना नहीं है। हमें कठिनाई का सामना करना है, कठिनाइयाँ तो रहेगी, उसमें क्या है, है ना? तो उसे डर कर भागना चाहिए? नहीं, उसका सामना करना चाहिए। जीवन भर आनंद लुटाते, मुस्कानों के छंद लुटाते, हमें उठा लो अंजूरी में झरते यह कर फूल। क्या कहते हैं कि हमें अपने अंजूरी में भर लो, देखो है ना, अंजूरी मतलब ये ऐसे हम रखते हैं ना वो, तो फूल हमें कहते हैं कि हमें अपने अंजूरी में भर लो, है ना? तो जीवन भर आनंद लुटाते, मुस्कानों के चंद लुटाते, हमें उठा लो अंजूरी में झरते यह कर फूल। सुशील सिद्धार्थ इसके उन्होंने ये पोएम लिखी है पूरी, क्या नाम है, सुशील सिद्धार्थ, हाँ। अनूठी मतलब अनोखी, झरते मतलब गिरते, अंजूरी मतलब अंजलि, ऐसे दोनों हाथों का जोड़कर बनाए कटोरी। देख लो ये फिर से, टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में चलेगा। हाँ, अब है उसकी लिखने की बारी और बोलने की बारी, यानी कि अभ्यास। देखेंगे अभ्यास, हाँ देखेंगे एक्सरसाइज। खुशबू का संसार कौन सजाता है? तो खुशबू का संसार फूल सजाते हैं। फूल क्या क्या सहते हैं? फूल तेज गर्मी, ठंडी की मार, बरखा के तीर, कांटों का दर्द आदि अनेक प्रकार के कष्टों को सहते हैं। क्या करते हैं? अनेक प्रकार के कष्ट को सहते हैं। फूल हमें क्या क्या सीख देते हैं? तो फूल हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयों क्यों न आ जाए, हमें उनका सामना मुस्कुराते हुए करना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के सबको एक समान समझने की सीख भी फूल हमें देते हैं। फूल क्या हमें सीख देते हैं? कि फूल हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आ जाए, हमें उनका सामना मुस्कुराते हुए करना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के सबको एक समान समझने की सीख भी हमें फूल देते हैं, है ना बड़ी बात? पौधे कहाँ से निकलते हैं? तो पौधे धरती से निकलते हैं। कड़ी धूप में शरीर कैसा हो जाता है? तो कड़ी धूप धूप को हमारा शरीर सह नहीं कर पाता, जिस कारण शरीर झुलस जाता है। कड़ी धूप कोई सहन कर सकता है? ऐसे कोई भी नहीं सहन सकता। घर में जाकर सीधे जो पैंट स्टार्ट करके ऐसी स्टार्ट करके बैठ जाते हैं,
बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है ना। तो कड़ी धूप को हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता, जिस कारण शरीर झुलस जाता है। झड़ती हुई फूल क्या कहते हैं? तो झड़ती हुई फूल यह कहते हैं कि वे जीवन भर दूसरों में खुशियाँ बांटते रहते हैं, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। अपने अंतिम समय में वे मानव से निवेदन करते हैं कि वे अपनी अंजलि में उन्हें उठा ले, वही जमीन पर न पड़ा रहने दे। यदि पेड़ पौधों पर फूल न खिलते तो धरती कैसी लगती? सोचिए तो आप, अच्छी लगती धरती? बिल्कुल नहीं। यदि पेड़ पौधे पर फूल न खिलते तो धरती वीरान और बंजर लगती। जितनी खूबसूरत यह धरती इन पेड़ पौधों के कारण दिखाई देती है, उतनी खूबसूरत न होती। तो जितनी खूबसूरत अभी ये धरती लग रही है, उतनी लगती? हाँ, कुछ भी नहीं लगता सर। तो पेड़ पौधों के बिना कुछ भी अच्छा लगता है? हाँ, चलो देख लो एक बार फिर से। बोलने की बारी। आपको ही देखना है कि भाई खुशबू का संसार कौन सजाता है, तो फूल सजाते हैं। और फूल क्या क्या सहते हैं? तो फूल तेज गर्मी, ठंडी की मार, बरखा के तीर, कांटों का दर्द आदि अनेक प्रकार के कष्टों को सहते हैं, है ना? ऐसे में थोड़ी फूल बन जाना है। ये देख लो, थ्री क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। फूल हमें क्या क्या सीख देते हैं? पौधे कहाँ से निकलते हैं? अब MCQ है, फूल किन से मिलकर चहकते हैं? तितली, हवा और पक्षी से। इस संसार को कौन जगमगाता है? फूल। फूल क्या क्या लुटाते हैं? आनंद और मुस्कान तुम लुटाते हैं। कविता के इन पंक्तियों के अर्थ लिखे। कड़ी धूप जीवर झुलसाती, बरखा कभी तीर बरसाती, फिर भी जग को जगमग करती, कितना कुछ है सहते फूल। तेज धूप फूल को जी भर कर जलाती है तथा तेज बारिश भी उनकी कष्ट पहुंचाती है। इन सभी कष्टों को सहते हुए भी फूल अपने सुगंध से इस संसार को सुगंधित तथा प्रकाशित करते हैं। जीवन भर आनंद लुटाते, मुस्कानों के छंद लुटाते, हमें उठा लो अंजूरी में झरते यह कहकर फूल। फूल अपना पूरा जीवन दूसरों के चेहरों पर आनंद और मुस्कान के में लुटाते हैं। जब फूल अपने अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, अर्थात जब वे झड़ने लगते हैं, तब वे मानव से निवेदन करते हैं कि वे उन्हें अपने हाथों उठा ले, वही जमीन पर न पड़ा रहने दे। वही वो कहते बेचारे कि अपने अंजूरी में हमें उठा लो। भाषा संसार धरती आकाश समान असमान, फूल तो कांटा, आनंद तो पीड़ा, धूप तो छाव, जीवन तो मरण। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाक बॉक्स में से चुनकर लिखने हैं। पहले ये देख लो,
धरती आकाश फूल तो काटा, समान तो असमान, आनंद तो पीड़ा, धूप तो छाव, जीवन तो मरण। देख लो आपको गलती ना हो बाद में। ओके, निम्नलिखित शब्द के दो दो परे बॉक्स में से चुनकर लिखने हैं। खुशबू तो महाकौर सुरभि, बारिश तो बरखा और वृष्टि, जग तो विश्व और दुनिया, तीर तो बाण और शायक, धूप तो आतप और घाम, पुष्प तो कुसुम और सुमन। देख लो एक बार, उचित कारक चिन्ह चुनकर खाली स्थान भरिए। देखो फूल पर तितली बैठी है, फूल कांटों के बीच रहते हैं, वे मुस्कानों के छंद लुटाते हैं, फूल खुशबू से संसार सजाते हैं, फूल इस जग को जगमग करते हैं। चल तो ये यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 का सब काम खत्म हो रहा है। आप सबको समझ में आई बात? देख लो एक बार फिर से, यहां से देखना बाकी है। अब है चैप्टर नंबर 6, बुद्धि का चमत्कार। तो देखते हैं बुद्धि का चमत्कार। और ये है अकबर बीरबल की स्टोरी में से है। एक दिन बीरबल अपने घर जा रहे थे। उन्होंने फटे पुराने कपड़ों में एक बालक को देखा। वह बालक पेड़ की छांव में बैठकर चने खा रहा था। बीरबल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बालक एक एक चना मुंह में डाल रहा है। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, बेटा तुम एक एक चना मुंह में क्यों डाल रहे हो? बालक बोला, श्रीमान जी मैं कई दिनों से भूखा हूँ, आज ये थोड़े चने मिले हैं, यदि इन्हें एक बार में खा लूँ तो फिर समय कैसे काटूँगा? उस निर्जन बालक के बुद्धिमतापूर्ण उत्तर को सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। घर लाकर पुत्र की भांति देखभाल करने लगे। देख तो ये तो आपने देख ही लिया है कि जो बीरबल है उन्होंने रास्ते में एक बालक को देखा उसने देखा कि भाई ये बालक है वो एक एक चना खा रहा है। अब एक एक चना खाने का क्या रीजन होगा? तो बालक ने उसे उत्तर दिया कि श्रीमान मैं बहुत दिनों से भूखा, आज मुझे ये थोड़े चने मिले, यदि मैं एक चटके में खा गया तो टाइम कैसे कट होगा? वो भी बात सही है। देखो टाइम भी कट करना है और खाना भी, दोनों काम करना है उसको। बुद्धिमता पूर्ण मतलब समझदारी से भरा, बुद्धिमता पूर्ण मतलब समझदारी से भरा।
एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल के बीच बुद्धि विनोद चल रहा था। बादशाह अकबर ने उसे सवाल किया, बीरबल, संसार की सबसे बड़ी वस्तु क्या है? बीरबल को इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा और घर लौट आए। उसने कहा कि भाई मुझे एक वीक का टाइम दे दो तो मैं ये आंसर आपको दे सकता हूँ। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि बीरबल और अकबर के बीच क्या चल रहा था, बुद्धि विनोद, है ना। तो उसने क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन था कि भाई बीरबल, संसार की सबसे बड़ी वस्तु क्या है? बुद्धि विनोद मतलब अक्कल का खेल। बुद्धि विनोद मतलब क्या? अक्कल का खेल, कि जिसमें बुद्धि से काम लेना पड़ता है, ऐसे वैसे नहीं चलते। हाँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही वो क्यों पूछेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि जिसमें दिमाग का कुछ यूज है ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। बादशाह थोड़ी ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछने लगे। तो ये बात है यहाँ पे, तो उन दोनों के बीच ये बुद्धि विनोद चल रहा था। बुद्धि विनोद मतलब अक्कल का खेल। घर आकर बीरबल ने बहुत सोचा बहुत, परंतु उन्हें बादशाह के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, नहीं मिल पाया। इस प्रकार सोचते सोचते सप्ताह पूरा होने में केवल एक दिन शेष रह गया। उन्हें चिंतित देखकर बालक ने जब बीरबल से पूछा, पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? बीरबल ने बालक को अपनी समस्या बताई। प्रश्न सुनते ही बालक बोला, पिताजी आप चिंता न करें, बादशाह से कह दीजिए कि बुद्धि ही सबसे बड़ी वस्तु है। बालक ने क्या आंसर दे दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी वस्तु है, बुद्धि से बढ़कर कोई नहीं है। संसार के बड़े से बड़े काम बुद्धि के बल पर ही होते हैं। बड़े से बड़ा काम कैसे बनता है? बुद्धि से बनता है। अगले दिन बीरबल ने अकबर के पास जाकर बुद्धि को सबसे बड़ा बता दिया। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल पूछा, अच्छा यह बताओ बुद्धि का भोजन क्या है? देखो एक आंसर अभी दिया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया कि अब बताओ कि बुद्धि का भोजन क्या है। सबसे बड़ी वस्तु बता दी तो खाता क्या है वो बताओ। यदि एक महीने में जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या बोला? एक महीने का मैं वक्त देता हूं, यदि एक महीने में आंसर नहीं मिला तो मृत्यु दंड मिला। अब तो बीरबल के सामने कठिन समस्या खड़ी हुई। वे घर आ गया। बालक ने समझा कि बादशाह को जवाब पसंद नहीं आया। वह दुखी होकर बोला, पिताजी क्या बादशाह को उत्तर पसंद नहीं आया जो आप अभी तक उदास है? बीरबल ने कहा, बेटा इसी ऐसी बात नहीं है, वे तुम्हारे उत्तर से तो बहुत प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने एक और प्रश्न पूछा है। बीरबल ने बालक को बादशाह द्वारा पूछा गया प्रश्न बताया। बालक को तुरंत उत्तर सूझा और उसने बीरबल से कहा, बुद्धि चिंता खाती है, जो बुद्धिमान है वही चिंता करते हैं, निर्बुद्धि लोग तो निश्चिंत रहते हैं। बीरबल ने अपने बुद्धिमान बालक को गले से लगा लिया। उन्हें बालक का उत्तर पसंद आया। वे प्रसन्नतापूर्वक बादशाह के पास गए और बादशाह के सवाल का जवाब दिया। बादशाह के खुशी का ठिकाना ना रहा। वे खुश होते हुए बोले, अच्छा अब चाव और पता कर क्या हो कि बुद्धि पीती क्या है? देखो सबसे बड़ी वस्तु क्या है तो वो भी बता दिया, बुद्धि। बुद्धि का भोजन क्या है तो चिंता खाती है। अब नेक्स्ट कि वो क्या पीती है?
एक के बाद एक, एक के बाद एक क्वेश्चन आ रहे। शेष मतलब बाकी, निर्बुद्धि मतलब ना समझ मूर्ख। ये देखना शब्द अर्थ आप देखना, हर बार भूल जाते हो। खुशी का ठिकाना ना रहने है तो अत्यंत प्रसन्न हो रहा, तो उसे बोलते हैं खुशी का ठिकाना ना रहना। आप एक बार फिर से देख लो, बुद्धि विनोद मतलब अकल का खेल, और यहाँ था बुद्धिमता पूर्ण समझदारी से भरा। शेष मतलब बाकी, निर्बुद्धि मतलब न समझ मूर्ख, खुशी का ठिकाना न रहे न होना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोध करना। बीरबल फिर चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि पहले दो प्रश्न के उत्तर तो बालक ने दे दिए, पर तो अब उत्तर न दे सका तो क्या होगा। इसी सोच विचार में डूबे हुए जब वे घर पहुंचे तो बालक ने पूछा, पिताजी अब क्या हुआ। बीरबल ने फिर अपनी परेशानी का कारण बताया तो बालक बोला, बुद्धि क्रोध पीती है, क्रोध है वो पीती है। बुद्धिमान व्यक्ति ही क्रोध पी सकते हैं, निर्बुद्धि तो बात बात पर आग बबूले हो जाते हैं। बीरबल द्वारा इस प्रश्न का उत्तर सुनकर भी बादशाह तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को खूब सारा इनाम दिया। बीरबल प्रसन्नता पूर्वक घर जाने लगे तो बादशाह ने उन्हें वापस बुलाया और कहा, तुमने मेरे तीन सवालों के जवाब तो सही दे दिए, बस एक आखिरी सवाल का जवाब भी देते जाओ। बीरबल बीरबल क्या करते बोले, बादशाह वह कौन सा सवाल है। अकबर ने तुरंत सवाल पूछा, बुद्धि का रूप क्या है, वो भी बताओ अभी कि बुद्धि का रूप क्या है। बीरबल को अब अपने भरोसा हो गया था, उन्होंने बादशाह से कहा, इसका जवाब तो मेरा बेटा ही कल आकर देंगे। अगले दिन बीरबल उस बालक को लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने बालक से पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है। बालक ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, बादशाह इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो गद्दी से उतर कर नीचे आइए और मुझे वहाँ बैठने दीजिए। आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोधित होना। आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोधित होना। ये देखो बीरबल है वो बादशाह के दरबार में बालक को लेकर गए, कितना बुद्धिशाली है ना। बुद्धि सबके पास है लेकिन यूज करना कैसे वो हमारे पास है। बुद्धि का प्रयोग आप कैसे करो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर है ना। पूरा देख लो एक बार यहाँ से, चल अपर ने तुरंत बालक की बात मान ली। बालक मुस्कुराते बोला, बादशाह अब तो आपने बुद्धि का रूप देख लिया होगा। बादशाह आश्चर्यचकित थे बालक के सूझबूझ भरे उत्तर से, वे बहुत प्रभावित हुए। बालक ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, बादशाह किसी को ऊपर चढ़ाना और गिराना बुद्धि का ही रूप है। देखिए मैं बुद्धि के बल पर राजगद्दी पर बैठ गया हूँ और आप नीचे मेरी जगह पर खड़े हैं। बालक के इस उत्तर से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए
और उसे बहुत सारे इनाम दिया। ये देखो उसने रूप दिखा दिया ना कि देखो मैं बुद्धि के बल पर कहाँ पर बैठा हूँ, राजगद्दी पर, और आप कहाँ खड़े हो, नीचे। तो ये बुद्धि का रूप है, अब आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो इस तरह उसने ये सारी बात बादशाह को भी समझा दी। अब आप एक बार पूरा देख लो। तो ये देखा हमने बुद्धिमता पूर्ण मतलब समझदारी से भरा, बुद्धि विनोद मतलब अक्कल का खेल, शेष मतलब बाकी, निर्बुद्धि मतलब ना समझ मूर्ख, खुशी का ठिकाना न होना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना, आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोध करना। बोलने की बारी, भूखा बालक चने धीरे धीरे क्यों खा रहा था? तो बालक कई दिनों से भूखा था, उस दिन उसे थोड़े चने मिले थे, समय काटने के लिए वह उन चनों को धीरे धीरे खा रहा था। बुद्धि को संसार की सबसे बड़ी वस्तु क्यों माना जाता है? तो बुद्धि को संसार की सबसे बड़ी वस्तु इसीलिए माना जाता है क्योंकि संसार के बड़े से बड़े काम बुद्धि के बल पर ही होते हैं। बालक ने किस प्रकार बादशाह को बुद्धि का रूप दिखाया? तो बालक ने अपनी बुद्धि के बल से राजा को गद्दी से उतार कर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। किसी को ऊपर चढ़ाना और नीचे गिराना बुद्धि का ही रूप है। कहानी में संवाद वाले अंशों को जोर जोर से पढ़िए, तो सिर्फ कहानी देखना, आप यहाँ से यहाँ तक देख लो। क्वेश्चन आंसर, भूखा बालक चने धीरे धीरे क्यों खा रहा था? बुद्धि को संसार की सबसे बड़ी वस्तु क्यों माना जाता है? बालक ने किस प्रकार बादशाह को बुद्धि का रूप दिखाया? लिखने की बारी, बीरबल बालक को अपने घर क्यों लेकर आए? बालक के बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से बीरबल इतने प्रभावित हुए कि वे उसे अपने घर ले आए। घर लाकर बीरबल पुत्र की भांति उसकी देखभाल करने लगे थे। बुद्धि का भोजन क्या है? तो बुद्धि का भोजन चिंता है, क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वही चिंता करते हैं, ना समझ लोगो तो निश्चिंत करते हैं, उसको क्या चिंता है कुछ। बादशाह बीरबल से क्यों प्रश्न पूछते थे? तो बादशाह अकबर और बीरबल के बीच अक्सर बुद्धि विनोद चला करता था। वे अकबर के सलाहकार थे। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे, इसीलिए बादशाह बीरबल से ही प्रश्न पूछते थे। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच अक्सर बुद्धि विनोद चला करता था। वे अकबर के सलाहकार थे। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे, इसीलिए बादशाह बीरबल से ही प्रश्न पूछते थे। बुद्धिमान व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते? तो बुद्धिमान व्यक्ति चिंता करते हैं, क्रोध को पी सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सूझबूझ भरे उत्तर से किसी को ऊपर चढ़ा सकते हैं और अपनी बुद्धि के बल पर नीचे भी उतार सकते हैं। ये उनकी बुद्धि का कमाल है भाई, सब लोग ऐसा कर सकते हैं।
हाँ बुद्धि का प्रयोग करके कर सकते हैं, उसमें क्या है। उस बालक में ऐसे कौन से गुण थे जिनसे प्रभावित होकर बीरबल ने उसे अपना पुत्र बनाया। तो बालक बहुत ही होशियार और बुद्धिमान था। बालक द्वारा दिए गए बुद्धिमत्ता पूर्ण उत्तर से बीरबल इतने प्रभावित थे कि वे उसे अपने घर ले आए और उसे अपना पुत्र बना लिया। तो है ना बड़ी बात, देख लो। ये पहले ये दो क्वेश्चन, बीरबल बालक को अपने घर क्यों लेकर आए, बुद्धि का भोजन क्या है, बादशाह बीरबल से ही क्यों प्रश्न पूछते थे, बुद्धिमान व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं, उस बालक में से कौन से गुण थे जिनसे प्रभावित होकर बीरबल ने उसे अपना पुत्र बनाया, बादशाह अकबर का बुद्धि विनोद किसके साथ चल रहा था, बीरबल के साथ, बुद्धि क्या पीती है, क्रोध, बुद्धि का भोजन क्या है, चिंता, बुद्धि का रूप जो तो उसने दिखा दिया ना। बालक के जो चारों प्रश्न का उत्तर वास्तव में किसने, बालक के नहीं, किसके, बादशाह के, वो प्रिंट मिस्टेक, बादशाह के चारों प्रश्न का उत्तर वास्तव में किसने दिए, तो बालक। बीरबल ने फटे पुराने कपड़ों में एक बालक को देखा, बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। घर आकर बीरबल ने बहुत सोच विचार किया, बादशाह से कह दीजिए कि बुद्धि सबसे बड़ी वस्तु है, किसी को ऊपर चढ़ाना और नीचे गिराना बुद्धि का ही रूप है। ये देख लो दोनों, बादशाह अकबर का बुद्धि विनोद किसके साथ चल रहा था, बीरबल, बुद्धि क्या पीती है, क्रोध, बालक के चारों सॉरी बादशाह के चारों प्रश्न का उत्तर वास्तव में किसने दिया। रेखा खींचकर सही वाक्य को जोड़ी, तो ये भी हमने काम कर लिया। देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, हाँ फिर गलती हो जाती है। को से में पर आदि का चिन्ह लगाकर शब्द के बहुवचन रूप लिखे। देखो भाषा संसार, कपड़ा तो कपड़ों में, प्रश्न तो प्रश्नों पर, विचार विचारों से, वस्तु वस्तुओं को, बालक बालकों को, उत्तर उत्तरों से, समस्या समस्याओं पर, सवाल सवालों से, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। पूर्ण प प्लस उ प्लस र प्लस अण प्लस अ, आश्चर्य आ प्लस प्लस च प्लस अ प्लस र प्लस य प्लस अ, उत्सुकता उ प्लस त प्लस स प्लस उ प्लस क प्लस अ प्लस त प्लस आ, प्रसन्न प प प्लस र प्लस अ प्लस स प्लस अ प्लस न प्लस न प्लस अ, बुद्धि ब प्लस उ प्लस द प्लस थ प्लस ई। तो ये हो गई बात यहाँ पे हमारी, कौन सी वर्ण विच्छेद की, और क्या चल रहा है यहाँ पे। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण पहचान कर उनके सामने लिखे।
बालक चने धीरे धीरे खा रहा था, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। आप गद्दी से उतर कर नीचे आई, नीचे। इसका जवाब तो मेरा बेटा ही कल आकर देगा, कल। बीरबल रात भर सोचते रहे, रात भर। बालक उधर बैठा सोच रहा था, उधर। सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाना था, वो आपकी टेक्स्ट बुक में है ही, देख लो उसमें। मैं यहाँ से बोलता हूँ। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ख, क्रोधित होना। नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ बहुत परेशान होना। बाएं हाथ का खेल मुहावरे का अर्थ आसान काम। बाल से तेल निकालना मतलब असंभव का, असंभव काम करना है ना, बड़ी बात। तो आप सबको ये सब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही? कौन है ये? सबको समझ में आ रही है सर, ऐसी बात है? अरे वाह, भाषा संसार एक बार देख लो। हाँ, कपड़ा कपड़ों में, प्रश्न प्रश्नों पर, विचार विचारों से, वस्तु वस्तुओं को, बालक बालकों को, उत्तर उत्तरों से, समस्या समस्याओं पर, सवाल सवालों से। पूर्ण प प्लस उ प्लस र प्लस अण प्लस अ, आश्चर्य आ प्लस श प्लस च प्लस अ प्लस र प्लस य प्लस अ, उत्सुकता उ प्लस त प्लस स प्लस उ प्लस क प्लस अ प्लस त प्लस आ, प्रसन्न प प्लस र प्लस अ प्लस स प्लस अ प्लस न प्लस न प्लस अ, बुद्धि ब प्लस उ प्लस द प्लस त प्लस ई। बालक चने धीरे धीरे खा रहा था, धीरे धीरे। आप गद्दी से उतर कर नीचे आई, नीचे। इसका जवाब तो मेरा बेटा ही कल आकर देगा, कल। बीरबल रात भर सोचते रहे, रात भर। बालक उधर बैठा सोच रहा था, उधर। और ये लास्ट में है, एमसीक्यू भी हमने देख लिए कि आग बबूला होना मुहरे का अर्थ है क्रोधित होना। नाको चने चबाना मतलब है बहुत परेशान होना। बायात का खेल मुहरे का अर्थ है आसान काम। बालों से तेल निकालना मतलब असंभव काम करना। तो ये बात थी हमारी, वो सब यहाँ पे ख़त्म हो गई। समझ गए आप लोग? तो अब आपको क्या करना है, ये पूरे वीडियो जो है वो देखना है, बार बार देख लो। नहीं समझ में आ रहा है तो भी देख लो, टेक्स्ट बुक में देख लो। समझ गए? क्या है, वन टाइम टू टाइम देखोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी, कोई ऐसी बात रहेंगी नहीं। क्योंकि ये चैप्टर हमने पढ़ लिए, अपने फिर बुक में लिखे, फिर ये रिवीजन में आपने फिर से देखे, और रिवीजन में मैंने सब बात टू टू टाइम या थ्री थ्री टाइम बताई, तो अब तो ये दिमाग में बैठ गया है ना? बैठ गया कि नहीं बैठ गया? अरे कौन है अभी नहीं बैठा ऐसा बोल रहा? तो ये रिवीजन का वर्क आप धीरे धीरे से करना, तो आपको बात सारी समझ में आएगी, है ना? ये चैप्टर नंबर 6 हमने पूरा देख लिया, और चैप्टर नंबर 5 है वो भी हमने देख लिया, है ना? कितना मस्त दृश्य है ये। चैप्टर नंबर 5 था फूल, चैप्टर नंबर 6 का चमत्कार, अकबर और बीरबल की स्टोरी, और चैप्टर नंबर 5 में फूल, पुष्प, है ना? फूल मतलब पुष्प, कुसुम, सुमन, मंजरी, कितने सारे इसके नेम है। लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ फूल, क्योंकि फूल है ही हमारा चैप्टर। तो फूल हमने देखा, बुद्धि का चमत्कार देखा। आप लोग क्वेश्चन आंसर
पूरा चैप्टर एक बार पढ़ना, उसके मीनिंग देखना, भाषा संसार में सब कुछ देखना, समझ गए? तो क्या है कि आपको सारी बात समझ में आएगी और फिर आपको इजी हो जाएगा। एमसीक्यू टिक करने हैं सिर्फ, हाँ सोच विचार कर करना, जल्दबाजी में काम करना नहीं है। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, उसके ऑप्शन देखो, फिर उसको टिक मार्क करो, तो कुछ जल्दी भी नहीं होगी और आराम से आप काम कर सकोगे। क्योंकि जल्दी में काम किया मैंने, ये टिक कर दिया और ये सब भी दे दिया, फिर यार ये मुझे आता था फिर भी मैंने गलत कर दिया काम, ऐसा होता है। क्योंकि हमें लगता है कि सब आसान है, तो सब आसान काम ही बिगड़ते हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया, क्या किया, जल्दी जल्दी में काम खत्म कर दिया। बस हमें क्या है, बस ये काम पूरा होना चाहिए, फिर कुछ काम नहीं है कुछ काम, तो फिर क्यों जल्दी करते हो? धीरे धीरे आराम से क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो और फिर उसको टिक मार्क करो। ओके, समझ गए? तो ये लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं रिवीजन का। एग्जाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। अब आपको एग्जाम देना है, रिवीजन तो हमारा कंप्लीट हो गया, फिर भी एक बार टेक्स्ट बुक में, पेयर बुक में, सब जगह पे एक बार नज़र डाल देना, तो क्या है कि सब काम हो जाए और आसान भी हो जाए आपका काम भी। सीधा क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो और टिक मार्क करो, ईजी है पेपर, पढ़ोगे तो, वरना तो हार्ड ही लगेगा। सीधा आप पेपर में जाओगे तो हार्ड लगेगा, लेकिन एक बार देख लोगे तो अच्छा लगेगा। ओके, तो ये लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते, सब लोग अच्छी तरह से एग्ज़ाम देना। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू।